शेख, मैं आपसे ये पूछना चाहता था, ये अंबिया की 91 सूरह में जो है उसमें ये कहा गया कि हमने हमने रूह से फूंक मारा बोलकर आता आयत है। तो इसमें वो फूंक मारने वाले अल्लाह है या वो जिब्रील अलैहि सलाम है? हजरत शेख जी, देखिए, इंसानों के जब अल्लाह रब्बुल आलमीन तख्लीक फरमाता है, इंसान जो पैदा होते हैं तो उनके अंदर जो रूह फूंकी जाती है वो फरिश्ता रूह डालता है अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता उसमें रूह फूंकता है। तो इसको ये कहना कि अल्लाह ने रूह फूंका है ये भी सही है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म से ही हुआ है। तो जी अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के मुकर्रर करदा फरिश्ते उसमें जो है जान डालते हैं, रूह फूंकते हैं। तो फिर शेख, अगर अगर अल्लाह ने जान डाला है, तो फिर जब ईसा अलैहि सलाम को भी अल्लाह ने रूह डाला है, तो फिर वो अल्लाह के बेटे वही होते हैं क्या शेख? वो क्योंकि उनके बाप तो नहीं थे ना उनके। आपको किसने पैदा किया है? शेख, मुझे नहीं, मुकम्मल सवाल का अल्लाह के जवाब ऊपर देंगे। यकीन है शेख। नहीं, आपको यकीन है, लेकिन आप जवाब दे तो हाँ, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। मुझे अल्लाह ने पैदा किया है शेख। हाँ, तो क्या आप अल्लाह के बेटे हैं? नहीं शेख। नहीं, तो इसी तरह ईसा अलैहि सलाम को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह हाँ ताला हर चीज पर कादिर है। वो आपको उसने एक माँ बाप से पैदा किया है। हाँ आदम शेख, अलैहि सलाम को ना तो माँ ना तो बाप, बगैर माँ बाप के पैदा किया। तो क्या अल्लाह ताला इस चीज पर कादिर नहीं है कि ईसा अलैहि सलाम को बगैर बाप के पैदा करे? कर सकता है शेख, मैं वो मानता हूँ शेख। अगर इसमें ये जी, वर्ड है लेकिन कि इनके रूहिन सवाल के रूहिन है ना एतबार शेख। से, इनके सवाल के एतबार से रूह फूकना बाप होने के लिए लाजिम नहीं है ना। आपके वालिद ने आप में थोड़ी रूह फूका है कि वो आपके बाप हुए हैं। अगर आप ये फिर कहें भी कि वो अल्लाह आपके ताला बाप हजरत हैं। हाँ हाँ, हजरत सही शेख। अल्लाह ताला फूक मारने की हाँ वजह से अगर हजरत ईसा के बेटे हो जाते हैं, अगर नऊज़ बिल्ला, हमारा यकीदा नहीं है, तो उस एतबार से तो आपके अंदर फिर आपके वालिद ने फूक मारी होनी चाहिए, हाँ शेख, मुझे यहाँ पर ये लाजमी मसला क्या आ रहा है शेख, ये एक वर्ड है, देखो है। ये रूहिन मिन रूहिन है शेख, वर्ड वो लफ्ज है, देखो शेख वो मिन रूहिन है, वो आयत मिन नंबर रूहिन का मतलब तो क्या होता है शेख? भाई मिन रूहिन आयत वो खोलिए शेख, आयत नंबर कौन सा अंबिया दिखाएंगे भाई आप? अंबिया की 91 शेख। सूरह अंबिया आयत नंबर 91। एक मिनट में अभी हाँ खोल दे रहा हूँ जी शेख। वल्लती अहसनत हाँ फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना। मैं फरजाना भी शेयर कर रहा हूँ आयत। हाँ फनफखना फीहे मिन रूहिना, जी हाँ सेकंड टाइप शेयर। हमने उसके अंदर अपनी रूह डाल दी, अपनी रूह फूंक दी। क्या हाँ आपको हाँ इसमें इश्काल क्या है? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रूह डाल दी, क्या रूह अल्लाह की रूह को पैदा करने वाला अल्लाह ताला है कि नहीं? तो अल्लाह है शेख, अल्लाह है शेख, मगर यहाँ पर जो ये इसी ट्रांसलेशन किया है, जो ट्रांसलेशन किया है वहाँ अवर एंजल लिखा है, गैब्रियल बोल को लिखा है, तो फिर वो एंजल गैब्रियल लिखने जगह वो अल्लाह ने फूका, वो अल्लाह ने फूक मारी बोल को भी लिख सकते हैं ना शेख? वो इस तरह से क्यों अवर एंजल क्यों ट्रांसलेट किया है उसने ट्रांसलेटर ने? ट्रांसलेटर, ये ट्रांसलेटर की गलती हो सकती है। उसका तर्जमा ये है कि फनफखना फीहे मिन रूहिना, हाँ शेख, कि हमने उसके अंदर अपनी रूह डाल दी या रूह फूंक दी। हाँ शेख, फूंक दी, इसका ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला ही हर आदमी के अंदर खुद बजाते खुद रूह फूंकता है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, वो फरिश्ते जो काम करते हैं उनकी निस्बत अल्लाह की तरफ की जाएगी। जैसे एक बादशाह होता है, हालांकि अल्लाह के लिए मिसाल नहीं देनी चाहिए लेकिन आपको जी समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, एक बादशाह होता है, क्या मुल्क के सारे काम अपने हाथ से करता है? नहीं, लेकिन जब काम होता है तो क्या कहा जाता है कि फला सरकार ने जो है ये काम किया, वजीर आजम ने ये काम किया। वजीर आजम खुद आके करते हैं, उनके मुकर्रर करदा लोग करते हैं। जी तो सही अल्लाह शेख, रब्बुल आलमीन ने अपने कामों जो है दुनिया के कामों पर फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है, हर फरिश्ते की ड्यूटी है। तो फरिश्ते ने जो है रूह फूंक दी और इसको अल्लाह ताला ने कहा कि हमने अपनी रूह फूंक दी, तो इसमें तो इश्काल फिर कहां है आपको? मुझे मुझे ये लग रहा है शेख, अगर वो
अल्लाह ने फूका है तो फिर वो जिब्रील सलाम की तरफ किस अल्लाह के बंदे, मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि अल्लाह के फरिश्ते रूह फूकते हैं अल्लाह के हुक्म से, लेकिन वो अल्लाह के हुक्म से है इसलिए अल्लाह ताला ने कहा मैंने फूक दी। हाँ हाँ इसी तरह से सूरह सजदा में भी आता है, तहरीम में भी वही लफ्ज आता है शेख, तहरीम में भी आता है, सजदा में भी आता है, ऐसा अभी अभी तीन चार जगह आता है शेख, सेम वर्ड आता है, तो फिर हर जगह भी हम सुनिए, जब आप कुरान को, आपको इतनी अरबी नहीं आती है कि आप खुद समझ सके, तो जो बताया जा रहा है उसको तो कम से कम सुने। हाँ सर, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से फरिश्ते ने रूह फूंक दी। अब इसको ये कहना कि फरिश्ते ने रूह फूंका ये भी सही है, अल्लाह के हुक्म से फूंका गया इसलिए ये कहना कि अल्लाह ताला ने फूंक दिए भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अगर अगर रूप फूक देने से क्या अल्लाह के बेटे नहीं बन जाते वो ईसा अलैहि सलाम, है ना शेख भाई? ईसा अलैहि सलाम के अंदर जैसे रूह फूकी गई, आपके अंदर भी तो रूह फूकी गई, तो क्या आप अल्लाह के बेटे बन गए? नहीं बन गए, नहीं बन गए। अल्लाह ताला ने कुरान में जगह जगह कहा है कि जो मेरे मेरे पास मेरा कोई बेटा नहीं है, मैं किसी से जना नहीं गया हूँ, ना मैंने किसी को जना है, तो जहां वाजे तौर से जो है कहा गया है लम यलिद वलम यूलद, आप जो है सूरह इखलास पढ़ते हैं बार बार लम यलिद वलम यूलद, तो जहां पे आपको शक हो रहा है वहां पे आप इधर उधर घूम रहे हैं, जहां साफ साफ अल्लाह ताला कह रहा है कि ना मैंने किसी को जना है ना मैं किसी से जना गया हूं, ये क्लियर है। हदीसे कुदसी है, हदीसे कुदसी है, सही बुखारी की रवायत है, अल्लाह ताला ने कहा कि जिसने जो है ये कहा कि मेरा बेटा है उसने मुझे गाली दिया। अब इससे क्लियर क्या हो सकता है? तो रूह फूकने का, अल्लाह ताला ने तो पूरी कायनात को पैदा किया, तो क्या पूरी कायनात अल्लाह ताला का बेटा है? नहीं शेख जी, नहीं नहीं शेख।